मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जिनका प्रयोग करने से भाषा रोचक और सुंदर हो जाती है। क्या हो जाती है? भाषा रोचक और सुंदर हो जाती है। तो चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं। ये देखिए, अक्ल का दुश्मन, यानी कि जब कोई व्यक्ति सोच समझ के कोई कार्य नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है? अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक कार्य आपको सोच समझ के करना चाहिए, ताकि आपको कोई ये ना कह सके कि आप अक्ल का दुश्मन है। ठीक है, अब ये देखिए, आंख का तारा, यानी कि बहुत प्रिय। आप सब बच्चे अपने माता पिता के, दादा दादी के, अपने अध्यापिका के बहुत प्रिय हैं। तो आप कौन हुए उनके? आप उनके आंख के तारे हुए। आंखें चुराना, सामना करने से बचना। जब आप कोई गलती कर देते हो, जैसे आपने घर का कोई सामान तोड़ दिया, आपने होमवर्क अच्छे से नहीं किया, और जब मम्मी पापा जब पूछते हैं तो आप क्या करते हो? उनसे आंखें चुराते हो। उसका क्या मतलब हुआ? आंखें चुराना मतलब सामना करने से बचना। अब ये देखिए, आंखें बिछाना, यानी कि स्वागत करना। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। इसको कहते हैं आंखें बिछाना। अभी देखिए, आंख लगना, बहुत अधिक कार्य करना करने से क्या होता है? जब आपको नींद आ जाना, और बहुत अधिक खेलते खेलते नींद आ जाना, बहुत अधिक आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते नींद आ जाना, तो आप क्या कहते हो? आंख लगना, यानी कि नींद आना। कमर कसना, तैयारी करना। अब आपके क्या आने वाले हैं? एग्जाम्स आने वाले हैं, इम्तिहान आने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कमर कसनी चाहिए, यानी कि आपको एग्जाम्स के लिए, इम्तिहान के लिए तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, आंख का तारा, बहुत प्रिय, आंखें चुराना, सामना करने से बचना, आंखें बिछाना, स्वागत करना, आंख लगना, नींद आना, कमर कसना, तैयारी करना। एक बार और अभ्यास करिए। चलिए, अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, आंख का तारा बहुत प्रिय, आंखें चुराना सामना करने से बचना, आंखें बिछाना स्वागत करना, आंख लगना नींद आना, कमर कसना तैयारी करना। धन्यवाद।